सो हे लर्नर्स, वेलकम ऑन दिस चैनल तरंग एकेडमी फॉर क्रैक नीट इन इजी वे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये चैनल कैसा है। इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आती हैं जो कि उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं जिन्होंने ट्वेल्थ में बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट लिया है। जैसे ही हम बायोलॉजी का सब्जेक्ट लेते हैं, हमारे दिमाग में सीधे आता है डॉक्टर बनना, और बहुत सारे लोगों का सपना होता है। बट अकॉर्डिंग टू मी, पहले आपको अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को जान लेना चाहिए कि भाई मैं कितना कर पाऊँगा, उसके हिसाब से अपना करियर चूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बायोलॉजी ली है ट्वेल्थ में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ डॉक्टर बन के ही बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा, बहुत अच्छा स्कोप रहेगा, बहुत अच्छा करियर रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि आप कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप मेडिकल लाइन में ही जाएंगे। तो आज मैं कुछ एक ऐसे कोर्स के बारे में आपको बताने वाली हूं, और वो कौन सा कोर्स है इसके बारे में आपको थंबनेल पे ही इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, बट उसके जो डिटेल है वो मैं आपको जरूर दूंगी इस पूरे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो वो करना क्या है, इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर करना है और सारे दोस्तों के साथ जिन्होंने ट्वेल्थ में बायोलॉजी का सब्जेक्ट लिया है। हो सकता है आपको कोई भाई बहन या फ्रेंड हो जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। तो आज मैं शुरू करती हूँ। वीडियो का टॉपिक क्या है, बीपीटी का कोर्स, ठीक है। व्हाट इज़ बीपीटी? बीपीटी इज़ अ बैचलर ऑफ अ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी जो है उसका बहुत स्कोप है फ्यूचर में जाके, जो कि शायद अभी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग अभी सिर्फ एक जगह पे दिया हुआ है कि भाई डॉक्टर बनो तभी आप कुछ हो, वरना आपकी कोई औकात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ नीट और आईआईटी के एग्ज़ाम को क्लियर करने से कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। अगर आप एक तरीके से देख लो कि नीट और आईआईटी ही क्लियर करके क्या लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अदर वेज के थ्रू अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। देखो, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप पैसा भी कमा सकते हो अलग अलग कोर्सेज के थ्रू। अगर आपको इज्जत कमानी है तो आप वो भी कमा सकते हो। अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। तो हर एक चीज़ का ऑप्शन है, सिर्फ एक डॉक्टर बनना ही ऑप्शन नहीं है जिन्होंने ट्वेल्थ में बायोलॉजी ली है। तो बीपीटी के कोर्स के बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की वीडियो। ये जो कोर्स है ये पूरा 4 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। सबसे अच्छी चीज़ है कि एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है। जैसे ही आप इस कोर्स को कर लोगे तो आपको एक मेडिकल लाइन की जो है वो नॉलेज मिल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमें हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें, क्योंकि मैं इसके सिलेबस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसका सिलेबस काफ़ी अच्छा है और पूरा ग्रेजुएशन कोर्स है, तो आप अच्छे से अपनी बॉडी के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन को जान लोगे। एंड जैसे ही आपके यूजी के एग्ज़ाम क्रैक करते हो, सॉरी यूजी का कोर्स करते हो, उसके बाद आप कोई सा भी सिविल एग्ज़ाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट हो जाओगे, दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें क्या होगा, ये 4 साल का पूरा कोर्स होगा आपका, साथ साथ आपको 6 महीने की एक क्लिनिकल इंटर्नशिप करनी होगी जो कि कंपलसरी है। इस कोर्स के अंदर हम पढ़ते क्या, इन्वॉल्विंग द साइंस ऑफ अ फिजिकल मूवमेंट एम्ड एट प्रिवेंटिंग डिसीज एंड डिसेबिलिटी। तो डिसीज और डिसेबिलिटी से बचाने के लिए ये एक साइंस ऐसी बनाई गई है जिसमें हम फिजिकल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके कुछ बेस्ट टॉप इंस्टीट्यूट के नाम दिए हुए हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, सब जानते होंगे इस कॉलेज के बारे में, CMC वेल्लोर, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन चेन्नई, NIMS यूनिवर्सिटी इन जयपुर, मणिपाल यूनिवर्सिटी MU इन मणिपाल एंड बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इन झांसी। द कोर्स इज ऑफर्ड इन द कंट्री एट एन एवरेज एनुअल कोर्स फी रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख वेरिंग अक्रॉस इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इनकी 1 से 5 लाख तक की फीस पूरी बनती है, ठीक है। तो जब आप ये कोर्स कर लोगे, इसके बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है तो उसके बारे में दिया हुआ है। आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, आप किसी हेल्थ इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकते हो, फिटनेस सेंटर में, या फिर अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हो। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा आइडिया दूँ कि जैसे ही आप ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट करोगे, आफ्टर दैट आप कहीं पर जॉब कर सकते हो, और उसके बाद सुबह आप जॉब करो, शाम को अपने एक प्राइवेट क्लिनिक खोल लो, या फिर आप अगर चाहो तो सिर्फ अगर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाहते हो, कहीं जॉब नहीं आपको मिल रही है, तो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लो। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो फिजियोथेरेपी करवाने के लिए नहीं आ सकते हैं, तो उनके घर पे आप फिजियोथेरेपी करने जाओ और आप अच्छा चार्ज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर बिजनेस आइडियाज़ बन जाते हैं, बट आपको उसका यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है द एवरेज एनुअल इनिशियली सैलरी रेंजेस बिटवीन 2 and 8 lakh, ठीक है। तो शुरू में आपको पूरे एनुअल जो आपकी सैलरी होगी वो 2 से 8 लाख के बीच में होगी, डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स
एक्सपर्टाइज इन द फील्ड एंड रेलेवेंट स्किल सेट. तो आपका कितना स्किल सेट है, आपका कितना एक्सपीरियंस है और कितना अच्छा आप काम करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी. या ये तो हर एक जगह पर है. अगर आप बोलो कि MBBS करके आपका स्कोप बन गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने इतनी बार बोला है कि किसी भी कोर्स को करने से आपका स्कोप नहीं बनता है. आपको उस कोर्स में अपनी जी जान लगा देनी है, अपनी सोल और बॉडी से ही आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा अपने उस कोर्स के अंदर, तभी आप कुछ कर सकते हो. स्पेशली ना मेडिकल फील्ड, अगर मेडिकल फील्ड में आपने अपनी जान लगा दी ना उस कोर्स को करने में, उस कोर्स के एक एक चीज़ को जाना है कि कैसे मेडिसिंस देनी है, कैसे हमें सारे प्रोसीजर्स को करने हैं, तभी आपका स्कोप बहुत अच्छा हो सकता है. अगर आप MBBS का भी एडमिशन ले लो और आप बिल्कुल पढ़ाई ना करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्कोप बहुत अच्छा होने वाला है. ठीक है, तो आपको बस पेशेंट को क्योर करना आना चाहिए. दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो आप BPT के कोर्स के थ्रू भी अपने अपने जो भी आपके पेशेंट हैं उनको क्योर अच्छे से कर सकते हो. उसके अलावा एक हाईलाइट्स दिया हुआ है, तो आप हाईलाइट्स में देख सकते हो कि ये कोर्स लेवल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ड्यूरेशन इसका 4 साल का है. एलिजिबिलिटी ये है कि आपका 10+2 होना चाहिए किसी एक रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड से, मतलब कि आप CBSE, ICSE, UP या फिर जो भी राजस्थान वगैरह सबके अलग अलग जो होते हैं बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी पढ़ाई करी होनी चाहिए. एडमिशन प्रोसेस क्या होता है कि काउंसलिंग होती है आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ अ रिलेवेंट एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है, जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जब आप एग्जाम दोगे उसके थ्रू आपको, काउंसलिंग के थ्रू आपको ये कोर्स का एडमिशन मिल जाएगा. एग्जामिनेशन टाइप इसका कहता है, इसमें सेमेस्टर होते हैं आपके. टोटल फी मैंने आपको बता दी 1-5 लाख, और ये सब चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. उसके अलावा ये आपको कुछ इंस्टीट्यूट और उनकी लोकेशन और एनुअल फीस बताई हुई, जैसे कि CMC वेलोर की फीस आप देख सकते हो 22,000 ओनली एनुअल फीस है. ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी आपको दी हुई हैं, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, मुंबई, रोहतक, सबकी दी हुई हैं. ठीक है, तो आप ये सारी देख सकते हो फीस की, किस किस की एनुअल फीस कितनी है. ठीक है, उसके बाद BPT कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है. सो इसमें आपका 10+2 होना चाहिए. तो कैंडिडेट जो है वो साइंस लिया हो 10+2 में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, ये सारी चीज़ें 50% मार्क्स होने चाहिए. एडमिशन प्रोसेस में ये दिया हुआ है कि भाई इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स आर ऑफर्ड एडमिशन टू द कोर्स इन इंडिया मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन अ रिलेवेंट इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट. तो हर एक इंस्टीट्यूट का एक अपना एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन उस कॉलेज के अंदर मिल जाएगा. ऑफन सब्सिक्वेंटली 2 additional राउंड्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन एंड अ पर्सनल इंटरव्यू आर हेल्ड फॉर असेसमेंट फॉर ऑफ द कैंडिडेट्स जनरल एप्टीट्यूड फॉर द कोर्स. तो हो सकता है आपका एक इंटरव्यू भी हो, पर वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कॉलेज कि कॉलेज में वो इंटरव्यू ले रहा है या नहीं ले रहा है, बट मेन आपका एग्जाम होता ही है. ठीक है, लिस्टेड हियर आर सम ऑफ द टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैरीड आउट इन द कंट्री फॉर एडमिशन इन द कोर्स. तो एक CET होता है एज अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आप वो दे सकते हैं, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा. दूसरा है गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम, एंड थर्ड वन इज अ जिपमर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है, ये कुछ और हैं, चलिए ठीक है. उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके सेमेस्टर में जो है वो क्या क्या सब्जेक्ट को पढ़ाए जाते हैं. तो सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाता है एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश, किनाडो, बेसिक नर्सिंग. ठीक है, उसके बाद सेमेस्टर 2 में बायोकेमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ओरिएंटेशन टू फिजियोथेरेपी एंड इंटीग्रेटेड सेमिनार्स. आफ्टर दैट इन सेमेस्टर 3 पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फर्स्ट एड एंड CPR, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सेमेस्टर 4 में एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, रिसर्च मेथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रीटमेंट, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पोस्टिंग. सेमेस्टर 5 में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स एंड ट्रोमाटोलॉजी. सेमेस्टर 6 में ऑर्थोपैडिक्स एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, सुपरवाइज्ड रोटेटरी क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड अलाइड थेरेपीज, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं. अब मैं आपको एक और अच्छे एक चीज़ बताऊं, जैसे कि गाइज अगर आप कोई BPT का कोर्स कर रहे हो, ठीक है, आपने BPT का कोर्स बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से किया, और आपने उसमें अपना 100% दिया, आफ्टर दैट आप एक चीज़ सोचो कि स्पोर्ट्स कभी ख़त्म होने वाला है? कभी नहीं होने वाला. ठीक है, इंडिया में क्या कहीं भी कोई स्पोर्ट्स ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, लोग खेलना बंद थोड़ी कर देंगे. तो क्या होता है कि आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी कर सकते हो. ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे गए तो सोचो कभी ना कभी हो सकता है आप इंडियन क्रिकेट टीम के फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओ, क्योंकि उनको तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती ही होती हैं. एंड डेफिनेटली फ्यूचर में फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आजकल लोग अपना फ़ोन का यूज़ बहुत करते हैं, अपने लैपटॉप का यूज़ बहुत करते हैं, उसकी वजह से हमारी बैक में बहुत प्रॉब्लम आती है. और उसके लिए सभी लोगों को ये बोला जाता है, जैसे कि हम ही डॉक्टर्स ये चीज़ प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए. एंड गाइज अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स करे हुए हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे पेशेंट्स अपने फ्यूचर में मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया.
उसके बाद आप इस कोर्स के बाद मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, लेक्चरार बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, ऑस्टियोपैथ बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये आपके हो गए कि मतलब कि आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो, क्या क्या आपके पोजीशंस हो सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा कोर्स है और मुझे तो भाई काफ़ी पसंद है। अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दिस वन इज़ द बेस्ट कोर्स। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है, तो मैंने यहीं पर पूरी एक साइट ली और सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो गाइज टेल मी वन थिंग, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं एंड ट्वेल्थ में करने के बाद ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि भाई कैसे सर्च करना है कोर्सेज के बारे में। जब भी हम सर्च करते हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें तो हमें बस मेनली जो हमें दिखता है वो दिखता है बीएससी नर्सिंग कर लो या फिर MBBS, BHMS, BDS, BUMS, BHMS ये सब कर लो। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये जो साइट है इनका यूज़ इसलिए करती हूँ जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ जो भी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ मेरा कोई वो मोटिव नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियोस बनाती रहूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है इन सारे कोर्सेज के बारे में। सो इसके थ्रू मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूं, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप पे फ़ोन करके पूछ सकते हो अबाउट दिस कोर्स और आपका क्या क्या आगे इसका फ्यूचर हो सकता है, क्या स्कोप है और मेरा क्या व्यू है। तो आप उसको मेरे उस कॉल मी फॉर ऐप पर क्लिक करके, ठीक है, आपको क्या करना है उसको डाउनलोड करना है, उसमें आपका क्रेडिट हो जाएगा, जितना भी अमाउंट होगा 15 रुपये अमाउंट होता है वो क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद मुझे फ्री में कॉल कर सकते हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि मैं क्या चीज़ यहाँ करना चाह रही थी कि सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है ट्वेल्थ के एग्जाम देने के बाद, उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट, कि अगर आप MBBS करना चाहते हो, BDS करना चाहते हो, BHMS करना चाहते हो, BMS करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, बट जिनकी आपको लगता है कि वो एबिलिटी नहीं है कि वो नहीं कर सकते, उन्हें एटलीस्ट उनके साथ शेयर तो करो। क्योंकि अगर हम फालतू में एक चीज़ के पीछे पड़े रहें अपने दोस्तों के साथ की वजह से हम पीछे पड़े रहें कि भाई वो कर रहा है तो हमें करना है, प्रेशर में आकर अगर हम कुछ कोर्स कर रहे हैं तो हमें वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा बस। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आगे की ऐसी बहुत सारे वीडियोस अपडेट्स को देखने के लिए।